पाँच साल पहले पूरा देश अराजकता और अव्यवस्था में डूबा था। सीएम योगी लखनऊ में सोमवार को यूपी बीजेपी ने प्रदेश भर में भारत के मन की बात अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा लखनऊ के भाजपा राज्य मुख्यालय में मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज गरीबों के लिए उम्मीदों का किरण बने हैं। सीएम योगी के कहा, हम सब जानते हैं कि पाँच साल पहले देश की स्थिति कैसी थी। पूरा देश अराजकता और अव्यवस्था में डूबा था। भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गया था। योगी ने कहा कि लोक कल्याणकारी कार्य तो दूर जो श्रद्धेय अटल बिहारी जी ने शुरू कार्य शुरू किए थे उन्हें भी बंद कर दिया गया, लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया। वहीं यूपीए के समय में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, उसे 6वीं पायदान पर पहुंचा दिया। सीएम योगी ने कहा कि मोदी ने 4.5 वर्ष पहले जो वादा किया गया था उसे पूरा कर दिखाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के मन की बात का मुख्य उद्देश्य है मजबूत भारत, मन का भारत और आगे समय में भारत कैसा होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने सामाजिक सुरक्षा पर बड़ा काम किया है। इसका उदाहरण जनवरी धन योजना है, इससे 33 करोड़ लोग खाताधारी बने। नड्डा ने बताया कि उज्ज्वला योजना ने सिर्फ गरीबों के घरों तक गैस सिलेंडर देना ही नहीं है बल्कि इसका दूर तक इम्पैक्ट है। इसका कनेक्शन सीधे स्वास्थ्य से भी है। बता दें कि भारत के मन की बात के दौरान वीडियो रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इन रथों के साथ सुझाव पेटियां भी रवाना की जाएंगी, जिससे देश के जन जन के मन के विचारों को संकलित किया जा सके। भाजपा उन अपेक्षाओं व सुझावों के आधार पर अपना चुनावी संकल्प पत्र तैयार करेगी। इन रथों को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ले जाया जाएगा, जहां विधानसभा प्रभारी एवं लोकसभा प्रभारी अपने क्षेत्रों में इन रथों को अधिकतम इलाकों में ले जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर इन रथों में लगे वीडियो से फिल्में जनता को दिखाई जाएंगी। वीडियो में केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां दिखाकर बताई जाएंगी, साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों की गड़बड़ियों के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा।